एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 अपना एबीसीडी एक स्क्वायर है, उसकी साइड 40 सेंटीमीटर, साइड मतलब वजन, ठीक है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर की है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ब्रथ की 7 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी। हमें स्टैंडर्ड क्वार्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्टैंडर्ड क्वार्टर, वही सब इंजीनियरिंग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से माइनस कर देंगे इस आधे वृत्त को और इस आधे वृत्त, आधा और आधा वृत्त कितना होगी, पूरा एक वृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टू ए टू, एरिया ऑफ एनी सर्कल, ठीक है। एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड लिख सकते हो, माइनस टू इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल टू तो है ही स्क्वायर, सेमी सर्कल मतलब आधा, ठीक है, ये खत्म। तो साइड कितनी है हमारे पास, साइड है 14 और रेडियस भी लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, दो तो गया पाई बचा, त्रिज्या 7 है, इसका वर्ग 196 22 बटे 7, 7 इंटू 7 ये खत्म, 196 इसको बड़ा कर दो 7 14 15 माइनस कर दो 6 4 2 9 5 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा।